बहादुरगढ़ नगर परिषद में एक बार फिर से घोटाला सामने आया है। इस बार नगर परिषद के खाते से 50,35,000 रुपए गायब हो गए हैं। नगर परिषद ने शहरी स्थानीय निकाय निदेशक को चिट्ठी लिखकर इस संबंध में अवगत करवाया। नगर परिषद ने लिखी चिट्ठी में बताया है कि 11 केवी हाई टेंशन लाइन हटाने के लिए सरकार द्वारा 4,93,23,000 रुपए भेजे गए थे, लेकिन उसमें से 4,42,88,000 का ही हिसाब नगर परिषद के खातों में मिल पाया है। 50 लाख से ज्यादा की यह राशि कहां गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के नेता कपूर सिंह राठी ने इस संबंध में कार्रवाई की मांग की है। नगर परिषद में एक बहादुरगढ़ के जितने भी हाई टेंशन तार थे उनको हटाने के लिए एक सीएम अनाउंसमेंट हुई थी, सीएम अनाउंसमेंट 97-17 नंबर, और उसके दौरान उसके तहत 4,93,23,000 रुपए हरियाणा सरकार ने जारी कर दिए और 4,93,23,000 रुपए नगर परिषद के खाते में आ गए। मैंने आपको एक लेटर भी दिया है, लेटर में नगर परिषद ने खुद माना है कि 4,93,23,000 रुपए हरियाणा सरकार ने हाई टेंशन तार हटाने के लिए जारी कर रखे हैं और उसमें से 50,35,000 रुपए टोटल में से, और बाकी पैसा तो उनको मिल गया, और 50,35,000 रुपए उनको अपने अकाउंट में मिल ही नहीं रहा, वो पैसा कहां गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, चाहे तो वो हरियाणा सरकार बताए कि वो 50,35,000 रुपए कहां गया, या फिर नगर परिषद ये बताए कि नगर परिषद के अगर अकाउंट में पैसा आया और 50,35,000 रुपए अगर गायब हुआ तो वो पैसा गया तो गया का, कहीं ऐसा तो नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का अभी बहादुरगढ़ भूला नहीं है, 88,68,000 रुपए पहले गायब करे बैठे हैं ये, वो उन आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस भी है। हमने तो अच्छा लगता अगर भाजपा वाले प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाते, वो 88,68,000 रुपए के 88 पैसे भी रिकवर नहीं कर पाई पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन और सरकार, ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा रिकवर कर पाए और ये 50,35,000 का नया चिट्ठा खुल गया आ गया इनका। ये तो भला हो, ये प्रवीण भाई का ये लगातार इस मामले में वर्किंग करता रहा, क्योंकि हाई टेंशन तार लाइन पार के लिए हटाई जानी चाहिए थी, चाहे वो फ्रेंड्स कॉलोनी है, चाहे वो जौहरी नगर है, चाहे वो शंकर गार्डन है, पटेल पार्क का कुछ हिस्सा है, कुछ हाई टेंशन तार हटाई गई, लेकिन और बाकी तारे ये यहाँ की इसलिए नहीं हटाई गई क्योंकि 50,35,000 रुपए नगर परिषद में से गायब हो गए। वो गायब क्यों हुए, वो गायब इन लोगों ने कहां किए, वो हरियाणा सरकार बताएगी या नगर परिषद के वो अधिकारी बताएंगे जिनके अंतर्गत पैसा रहता है। कपूर सिंह राठी का कहना है कि वर्ष 2016 में बहादुरगढ़ शहर के लाइन पर क्षेत्र के कॉलोनियों के घरों से ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तारों को हटाने के लिए ग्रांट नगर परिषद को मिली थी। नगर परिषद और बिजली विभाग के बीच इस संबंध में कई बार पत्र व्यवहार भी हुआ, लेकिन नगर परिषद की ओर से ये पैसा हाई टेंशन तार हटाने के लिए बिजली विभाग को नहीं दिया गया। जानबूझकर इस मामले में नगर परिषद के अधिकारी देरी करते रहे। 28 अप्रैल 2022 को बहादुरगढ़ नगर परिषद की ओर से शहरी स्थानीय निकाय को पत्र लिखकर पैसे गायब होने के बारे में सूचना दी गई थी, लेकिन अब तक ना तो सरकार बता पाई कि पैसा आखिर कैसे गायब हुआ और ना ही स्थानीय अधिकारी ढूंढ पाए कि आखिर इतनी बड़ी रकम आखिर गई कहां। कपूर राठी का कहना है कि पैसे का गबन करने वाले लोगों की पहचान होनी चाहिए और FIR दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम आपको बता दें कि बहादुरगढ़ नगर परिषद के खाते से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को दी जाने वाली 88 लाख रुपए की रकम भी गायब हो चुकी है, जो अब तक नहीं मिली। ऐसे में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का दम भरने वाली प्रदेश की बीजेपी सरकार आखिर इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहादुरगढ़ से योगेंद्र सैनी, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।